हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, आज सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल, बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फूड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सोयल। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स, वेराइटीज, फिशरीज टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। यानी कि वन्य जीवन और वनों में तेजी से जो है जो नुकसान हो रहा है उसके कारण इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, और हमें वनों और वन्य जीवन का जो संरक्षण करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, हमारे जीवन साधन संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जो है जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें इन द 1960 एंड 1970s कंजर्वेशन डिमांडेड एज नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protections to their habitats and restricting trades in wildlife. Subsequently, the central and many states government established national parks and wildlife sanctuaries, about which you have already studied. The central governments also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tigers, the one, आगे देखिए इसमें, वन हॉर्न राइनासोर, द कास्मिस टैक्स और हैंगुल, थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड द घड़ियाल, द एशियाटिक लाइंस एंड द अदर्स। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट्स, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड्स एटसेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। देखिए इसमें क्या बताया है, कि 1960 और 1970 के दशक जब हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षणों ने राष्ट्रीय जनजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की जो है मांग की, और भारतीय वन्य जीवन और अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, ठीक है, और संकट जातियों के बचाव और शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने और आदि पर भी जोर दिया गया। ठीक है, इसके में क्या बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए। ठीक है, केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ चुके प्राणियों में बाघ, एक सिंह वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, तीन प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया कि कुछ समय पहले जो भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, हिम तेंदु आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण तथा आंशिक प्रतिबंध लगा करके कानूनी रक्षण दिया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, देखिए बाघ परियोजना के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर्स के में कि वन्य जीवन संरक्षण में जो है बाघ की बहुत ही महत्वपूर्ण जंगली जाति है। और 1973 में अधिकारी ने पाया कि देश में 20 शताब्दी के आरंभ से ही क्या हुआ कि बाघों की संख्या अनुमान संख्या से घट करके और मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। ठीक है, बाघों की खाल का जो व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति जो है विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ठीक है, भारत और नेपाल दुनिया की दो तिहाई बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं और ये देश की शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। ठीक है,
आगे देखिए इसमें, इसमें बाघ जो परियोजना चलाई थी वो भी इसीलिए चलाई थी क्योंकि देखिए बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशिया देशों में परंपरागत औषधियों के कारण ये जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, इसलिए जो है उनको संरक्षण करने के लिए बाघ परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, आगे देखिए, दी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, देर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स इंक्रीजिंगली, इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड्स बटरफ्लाइज मॉथ्स बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद सिक्स स्पीसीज। यानी कि आजकल जो संरक्षण परियोजनाएं हैं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। ठीक है, संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जाए तो की जा रही है और संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगनफ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार सूची में रखी गई हैं। आगे देखिए, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। देखिए इसमें, इवन इफ यू वांट टू कंजर्व और वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज रादर डिफिकल्ट टू मैनेज कंट्रोल द रेगुलेट देम इन इंडिया। मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय करना कठिन है। ठीक है, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग या वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है, उनको कई भागों में बांटा गया है। रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आरक्षित वन, रक्षित वन और एवरग्रीन वन। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या आता है कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहाँ तक कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन में यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या बताया गया है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बताया गया कि वन विभाग के अनुसार क्या है कि देश के कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा जो है रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे हम थर्ड जो है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसमें एवरग्रीन वन में क्या बताया कि सभी प्रकार के जो वन हैं और जो बंजर भूमि है जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, एवरग्रीन वन कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए इसमें क्या बताया है, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल एरिया। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेरियस बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाई लोकल कम्युनिटी। यानी कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, वन पदार्थों और जो उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार की बात करें, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन हैं और तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में हैं। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्टडीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व्स राजस्थान, ब्लेजर्स हैव फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटी सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड
explicitly rejecting government's involvement, the inhabitants of five villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the Bhairodev Dhaka Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. देखिए most 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 important paragraph है ये, ठीक है? क्यों है ये कि इसमें से जो है ये वाली जो लाइन दे रखी 1200 हेक्टेयर की, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है? इसमें क्या बताया गया है कि वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, और हम इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों की आवाज़ भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि राजस्थान की जो है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकर सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करती है और भारी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? आगे देखिए, सेक्रेड ग्रोव्स आर वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल्स बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। सच बिलीफ्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन्स फॉरेस्ट इन द प्रिस्टाइन फॉर्म called sacred groves, the forest of god and goddess. These patches of forest or part of large forest have been left untouched by the local peoples and any interference with them is banned. यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बताया कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, ठीक है? यानी कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हरों की रक्षा करना है, ठीक है? और इन्हीं विश्वासों ने क्या किया कि विभिन्न वनों को मूल रूप से बचाकर रखा है, और जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवी देवताओं की वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते या न किसी और को या को छेड़छाड़ करने देते हैं। यहाँ आने की कहने का मतलब है कि वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही जाते हैं, ना कि कोई और जा सकता है, ठीक है? और कोई और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। देखिए आगे, सर्टेन सोसाइटीज रिवेयर अ पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमोरियल, द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन्स वर्शिप महुआ एंड कदम ट्री एंड द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टॉमरेंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, टू मेनी ऑफ अस पीपल्स एंड बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। यानी कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करती हैं, आदिकाल से इनका संरक्षण करती आ रहे हैं, ठीक है? और जो है छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं, ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है? ये जो इसमें क्वेश्चंस, ये जो लाइनें आई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकती हैं, ठीक है? सो आप ध्यान से इसको पढ़ें। ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान क्या करती हैं? इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हमें से बहुत से व्यक्ति जो है पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। आगे देखिए, इंडियन सोसाइटी कंप्राइज सेवरल कल्चर ईच विद इट्स ऑन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशंस। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन डिस्क्राइब टू स्प्रिंग माउंटेन पीक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मकाव एंड द लंगूर अराउंड मेनी टेम्पल्स, दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटी। इन द अराउंड बिस्नोई विलेज इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक चिंकार नील गाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स देम। देखिए इसमें जो भी लाइनें आती हैं आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई गई इसमें। इसमें क्या बताया है कि देखिए, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृति है, प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और कृतियों की संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। देखिए आमतौर पर क्या देखा जाए कि झरने हैं, पहाड़ चोटियां हैं, पेड़ और पशुओं को भी पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे और उपासक जो है उन्हें खिलाते पिलाते हैं, मंदिर के जो भक्त होते हैं वो उनको खिलाते पिलाते हैं, ठीक है? और जो है
उनकी गिनती भगतों में होती है। राजस्थान में जो है बिश्नोई गांव के आसपास के जो है आप किसको देख सकेंगे, काले हिरण को देख सकेंगे, चिंकारा को देख सकेंगे, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, ठीक है, जहां वे समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। आगे देखिए द फेमस चिपको मोमेंट्स, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, द फेमस चिपको मोमेंट्स इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली इंसिस्टेड डेफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी एनॉर्मस सक्सेसफुली अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशंस कंजर्वेशन मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नाउ द ने हैव शोन दैट एडवोकेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन एंड विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिक वाइबल, ठीक है। देखिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें क्या बताया कि हिमालय में जो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, बल्कि उसमें ये भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है, ठीक है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित करके या नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है, ठीक है। टिहरी में जो किसानों का बीज बचाव आंदोलन और नवदान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन संभव है, यानी कि बिना किसी रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के हम लोग जो है कृषि उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताया गया, देखिए आगे, इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर्स हार्वेस्टेड बाई सक्सेसफुल प्रोडक्शन। यानी कि क्या बताया इसमें कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर किए हैं और औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई थी 1988 में हुई थी जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। और इस विभाग के अंतर्गत क्या है कि संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर जो संस्थाएं बनाई जाती है इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय जो है मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदार होते हैं। सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। आगे देखिए द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। देखिए इसमें क्या बताया कि भारत के में पर्यावरण के विनाश और जो है पुनर्निर्माण क्रियाशीलता से हमें सीख मिलती है, ठीक है। स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना, स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में भूमिका निभाना, ठीक है। स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है, वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।